नमस्कार दोस्तों, पहला पार्ट देख लिया था, मोनोटोनस नहीं बनाना चाहते थे इसलिए पार्ट टू में लेके आए हैं। तो वी हैव टू स्टार्ट विद द पार्ट टू ऑफ इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर। लेट्स बिगिन। डू यू थिंक दिस इज योर टाइम? तो यार चलिए एक और चीज डिस्कस करते हैं और वो है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट अंडर फिक्स प्राइस मॉडल। यहां पर मैं पहली बात आपको बता चुका हूं कि अजम्पशन हमने लिया था कि वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट रन। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में प्राइसेस फिक्स्ड हैं, तब जाके हम इस स्टडी को पूरे सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से समझ सकते हैं। अब नॉर्मली मैं जानता हूं कि एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन जो होता है, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है प्लस एक वो कंजम्पशन होता है जो इनकम के साथ चेंज होता है। मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस कंजम्पशन जो इनकम के साथ चेंज होता है, अंग्रेजी में बोला जाए कंजम्पशन दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ इनकम। ये दो हो गया। मैं एडी के जो इक्वेशन है उसमें कंजम्पशन की जगह लिख सकता हूं सी बार प्लस बी वाई। और क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में भी, पिछले वीडियोस में भी और इस वाले में भी, दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज टेकन एज ऑटोनॉमस, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। पढ़ा है कि नहीं? तो मैं अगर सी बार और आई बार को चाहूं तो सी बार प्लस आई बार करके इसको ए बार ले सकता हूं, दोनों को ऑटोनॉमस नाम दे सकता हूं। तो एडी को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं ए बार प्लस बी वाई। मतलब ए बार यानी ऑटोनॉमस आइटम्स, इट डिनोट्स ऑटोनॉमस आइटम्स प्लस वॉट एवर दैट चेंजेस विद द लेवल ऑफ इनकम, ये चीज भी हम बोल सकते हैं। अब क्या बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू? देखिए यार, मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बता देता हूं। ये हमारा आउटपुट होता है और ये हमारा एडी होता है, ठीक है यार? ये हमारी इनकम होती है एएस और ये हमारा एडी होता है, इतना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब उन्होंने बोला कि अगर हमारे एडी में चेंज आएगा तो उसका सिर्फ एक कारण होगा कि मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर जो ऑटोनॉमस आइटम्स होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो जाए, तो एडी जो है वो बढ़ के यहां आ जाएगा। तो ये जो पुराना वाला इक्विलिब्रियम है ये चेंज होके, शिफ्ट होके जो आउटपुट लेवल है हमारा वो यहां तक पहुंच जाएगा। देयर विल बी शिफ्ट इन द आउटपुट जस्ट बिकॉज जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल था मार्केट में वो इंक्रीज हो गया है ऑटोनॉमस आइटम से रिलेटेड। ये हाइपोथेटिकल अगर सिचुएशन लेते हो, मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हो कि एक इकोनॉमी के अंदर जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं वो इंक्रीज हो गए तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ के यहां पहुंच जाएगा और इसके कारण जो आउटपुट है वो नए इक्विलिब्रियम, पुराने इक्विलिब्रियम को छोड़ के नए इक्विलिब्रियम लेवल पे आउटपुट भी आपको इंक्रीज्ड दिखेगा। ये हुआ डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो कि नया आउटपुट हमने डिटरमाइन किया जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है? इसको उतार लो, इसको लिख लो। यहाँ पे प्राइस लेवल में मैंने चेंज नहीं दिखाया है, प्राइस लेवल को फिक्स्ड रखा है। बस मैंने ये बोला है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स और ऑटोनॉमस कंजम्पशंस जो होते हैं, यानी ऑटोनॉमस आइटम्स जो हैं, अगर वो बढ़ जाते हैं तो आउटपुट और इनकम लेवल बढ़ेगा क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम लेवल सेट होगा। बस इतना ही लिखना है इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। जल्दी से इसको उतार लो। अब यार नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का एग्जैक्टली वही मीनिंग है जो सुनने और समझने में आता है। मल्टीप्लायर मींस मल्टीप्लायर, इट मल्टीप्लाइज, गुणा भाग, गुणा गुणा जो बोलते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज वही है इसके अंदर भी। लेकिन एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहे हैं? देखो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर जो है ना वो बड़ा सिंपल है और बड़े ही यूनिक तरीके से चीजों को समझाता है। वो ये बोलता है एक इकोनॉमी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और देखना उससे जो होने वाली इनकम है वो काफी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जो मल्टीप्लायर है वो बोलता है एक बार इन्वेस्टमेंट में चेंज लाके तो देखो और फिर इनकम में चेंज देखना कितना ज्यादा हो सकता है। यही तो बोलते हैं यार, जिनका बना बनाया बिजनेस है, एक बार जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, हमारे दादा परदादा ने बिजनेस में, आज देखो पुश्तें खाती आ रही हैं। सेम चीज है, यही तो चीज है मल्टीप्लायर। एक बार इन्वेस्टमेंट किया और सालों साल देखना कि उससे इनकम कितनी बार मल्टीप्लाई होती है। एक बार की इनकम नहीं होती है, बार बार की इनकम होती है और वही कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर बोलता है। लेकिन ये मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मल्टीप्लायर है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये डायरेक्टली रिलेटेड है। मैं आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, फिर से बोल रहा हूं जो रिवीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी समझाता हूं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है मेरी इनकम थी 20,000, अगेन वही रिपीटेड वाला एग्जांपल, माय इनकम वाज 20,000, मेरी इनकम बढ़कर हो गई 30,000। अब ये जो एडिशनल मेरी इनकम बढ़ी है 10,000 से,
ये क्या मैं कंजम्पशन पे खर्च करता हूँ? अगर मेरी एडिशनल इनकम जो 10,000 से बड़ी है, अगर मैं वो पूरी की पूरी 10,000 कंजम्पशन पे खर्च करता हूँ, मैंने बोला क्या? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आता है मेरी इनकम में चेंज आने के कारण। अगर हाइपोथेटिकली मेरी इनकम 10,000 रुपीज से चेंज होती है और वो पूरा का पूरा जो 10,000 रुपए से मेरी इनकम में चेंज आया है वो पूरा चेंज मैं खर्चे में लगा देता हूं, तो मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू आता है 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरी एडिशनल इनकम हुई, बार बार एडिशनल बोल रहा हूं, जो भी मैंने एक्स्ट्रा 10,000 रुपए कमाए वो पूरे के पूरे मैंने कंजम्पशन में उड़ा दिए, ये मान लो टिपिकल तरीके से। आया समझ में दिमाग में? अब बताया क्या? देखो यार, इन्वेस्टमेंट्स और मतलब मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट्स की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लायर बिकॉज डायरेक्टली रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट से, तो मल्टीप्लायर और एमपीसी जो है इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जितना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगा उतना ही हमारा मल्टीप्लायर भी हाई जाएगा। सर ऐसा क्यों? देखो सुनो मेरी बात, एक इकोनॉमी के अंदर होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट्स इनकम को तभी बढ़ा सकते हैं जब किसी इकोनॉमी में डिमांड हो, और वो डिमांड होती है एग्रीगेट डिमांड। सही है, कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, मान लो मैंने एक बड़ा बहुत बड़ा व्यापार खोल दिया किसी भी चीज का, मैं बहुत अच्छे अच्छे गुड्स बना रहा हूं, लेकिन मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है। जब मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है तो मैं कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लूं, जब कोई खरीदने वाला नहीं है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कहां से सक्सेसफुल होगा? सही है ना, मैं चिप्स बनाता हूं, कोई चिप्स खाता ही नहीं है, कर दिया मैंने इन्वेस्टमेंट, क्या मेरे इन्वेस्टमेंट से इनकम मल्टीप्लाई होगी? क्या मेरा पुश्तैनी खानदान चल पाएगा? नहीं, बिकॉज नोबडी डिमांड्स चिप्स। यहां पे यही चीज आ जाती है, जब तक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है, मतलब लोगों के अंदर वो पैशन नहीं है कि जो भी वो एडिशनल इनकम अर्न करते हैं वो पूरी कंजम्पशन में लगाएं, जब तक वो चीज नहीं है तब तक मल्टीप्लायर भी नहीं है, तब तक इन्वेस्टमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब तभी आता है जब लोग अपनी एडिशनल इनकम खर्च करते हैं। सेव कर लेंगे तो मजा नहीं है, खर्च करेंगे तो मजा है, बिकॉज खर्च करेंगे तो मतलब लोग कंजम्पशन ज्यादा करना चाहते हैं, लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं मतलब इकोनॉमी में होने वाला जो आउटपुट है लोग वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब सारे कंपनीज के वाहे वाहे हैं, बिकॉज एवरीवन इज डिमांडिंग द आउटपुट। और अगर लोग आउटपुट डिमांड ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा होंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा होंगे तो उससे इनकम ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगी। सिंपल सा फंडा है, यहीं पे ये चलता है, तभी इसको मल्टीप्लायर बोला जाता है। और मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशन है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, मतलब जो भी एडिशनल इनकम जनरेट होगी क्या वो कंजम्पशन में लगाई जा रही है। अगर लगाई जा रही है एडिशनल इनकम तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मतलब एडिशनल लोगों की जो कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आ रहा है एडिशनल लेवल पे। ठीक है, तो यार सर बताना क्या चाह रहे हो? अब मैं तुम्हें एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बता देता हूं, ये मैंने ऐसे ही रैंडमली लिखा है, इसको जोड़ना चालू करते हैं। देखो भाई, हम जनरली क्या बोल रहे हैं कि जो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे भारत में, जो इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होंगे उससे लोगों की इनकम भी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर नई नई कंपनीज खुल रही हैं, नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खुल रहे हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिकॉज आउटपुट कब जनरेट हो सकता है? जब लोग वहां पे काम करें, और लोग वहां पे काम करेंगे तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो लोग कमाएंगे, कमाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम को खर्च किया जाएगा। सही है, इनकम विल बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन। चलो पैटर्न देखते हैं, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुए जिससे इनकम इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज हुई तो वो कंजम्पशन पे खर्च किया गया। ठीक है, कंजम्पशन पे खर्च किया गया तो वो एक इंसान का खर्चा कहलाया, एक इंसान का खर्चा कहलाया जो वो एक इंसान की इनकम कहलाई। क्या पैटर्न बनाया सर, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर का, कैसे इसको छोड़ते हैं फिर इस पे आते हैं फिर उस पे जाएंगे, इकोनॉमिक्स में यही तो मजा है समझने का। चलो समझते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर इंटर रिलेटेड हैं और डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर इकोनॉमी में एमपीसी हाई होगा तो मल्टीप्लायर भी हाई होगा। इसका मतलब क्या है, जो भी लोग एडिशनल इनकम कमा रहे हैं वो लोग लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन पे, जिससे जो भी इकोनॉमी में आउटपुट जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो रहा है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेजमेंट मिलेगा। अगर इकोनॉमी में एमपीसी लो है, कोई डिमांड ही नहीं करता है, एमपीसी लो है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो भी एडिशनल इनकम होती है लोग सेव करना चाहते हैं, जब लोग सेव करना चाहते हैं तो मार्केट में आउटपुट की इतनी डिमांड ही नहीं है, आउटपुट की डिमांड नहीं है, कौन सा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगा? कोई नहीं होगा, जो इन्वेस्टमेंट करके रखा धरा का धरा रह जाएगा,
कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं रहेगा। तो सारा केस और सारा सिनेरियो काय का है, फिर से बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हुए तो वो इनकम को पुश देते हैं, और अगर इनकम को पुश मिलता है तो याद रखना लोग कंजम्पशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब कंजम्पशन में ज़्यादा खर्च करते हैं तो अगेन वो खर्चा बनता है लोगों का, जब लोगों का खर्चा बनता है तो वो किसी और की इनकम बनती है, यानी ये एक सर्कल बन गया। जितने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे लोगों की उतनी इनकम बढ़ेगी, लोगों की उतनी इनकम बढ़ेगी लोग खर्चा उतना करेंगे, खर्चा उतना करेंगे तो वो किसी और की बढ़ी हुई इनकम बन जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ये साइकिल चलती चली जाएगी और इकोनॉमी ग्रो करती चली जाएगी। फिर से बोले एक बार, चलो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों ने खर्चा ज्यादा किया, कंजम्पशन ज्यादा किया, चलो वैसे ले लेते हैं, फिर से करते हैं ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं। चलो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बढ़े तो लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी तो लोगों का कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा मतलब लोगों का खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ा तो वो फिर से किसी का खर्चा किसी की इनकम बन गया और ये साइकिल चालू हो गई। लेकिन ये सारी चीजें चालू कहां से हुई, जो मैंने अभी कड़ी जोड़ी नहीं है वो है, ब्लू से लिखते हैं, इसलिए तुम लोगों को अजीब लग रहा था। अब समझाएं, एक इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन पैटर्न ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, मतलब लोगों में टेंडेंसी है कि जो भी एडिशनल इनकम होगी वो लोग खर्च करेंगे, दे आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एक्सपेंडिचर, मोस्ट ऑफ देयर इनकम इज बीन स्पेंट ऑन कंजम्पशन, अधिकतर इनकम कंजम्पशन में ही जा रही है। एमपीसी हाई होने के कारण इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट को पता चल रहा है कि पब्लिक डिमांड कर रही है, पब्लिक डिमांड कर रही है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, और इनकम ज्यादा होगी तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, क्योंकि एमपीसी क्या है, हाई है, मतलब लोगों के खर्चे ज्यादा होंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगा तो खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे तो वो किसी और की इनकम बनती चली जाएगी, और ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन होते होते इकोनॉमी में बूम आ जाएगा। ये तरीका होता है समझने का, आई होप आपके दिमाग में आ गया होगा, फटाक से बनाओ, आगे का काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको पॉज दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बाहर हो रहा हूँ और मुझे एक एमपीसी से रिलेटेड एक और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझानी है तो वो भी समझा देता हूँ। चलो यार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी की बात करते हैं। एमपीसी की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है उसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की बात करते हैं, सॉरी, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कैसे पता लगाएं? देखो यार, मैंने बोला मल्टीप्लायर और एमपीसी रिलेटेड है। अगर मेरी जो एडिशनल इनकम हुई है वो मैं पूरी कंजम्पशन पे उड़ेल दूं, जो एडिशनल मैं बोल रहा था ना, मेरी 20,000 इनकम थी बढ़ के 30,000 हो गई, जो मैंने एडिशनल 10,000 कमाए मान लो वो मैंने पूरे कंजम्पशन पे उड़ेल दिए, तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 हुआ, मतलब जो भी मेरी इनकम एडिशनल हुई, फिर से बोल रहा हूं, जो भी एडिशनल इनकम हुई वो मैंने कंजम्पशन पे डाल दी। इस केस में मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? अरे यार सर, यार मल्टीप्लायर कैसे निकालें? पहले तो मल्टीप्लायर देखते हैं कि होता क्या है और निकाला कैसे जाता है इन अकॉर्डिंग टू एमपीसी। देखो भाई, क्या होगा, आपने ये पढ़ा होगा इनकम इक्वल्स टू होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सर ये कैसी बात कर रहे हो, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि इनकम तो होता है AS और AS तो होता है C+S। ठीक है भाई, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। फिर AD इक्वल्स टू AS होता है, मतलब मैं AS यहां लिख देता हूं, इक्वल्स टू AD को C+I लिख देता हूं। ठीक है, AS को एक और चीज बोलते हैं Y, लिख सकता हूं ना, मतलब अब तो गुस्सा नहीं हो, Y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं भाई, C+I लिख सकता हूं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, Y को Y से डिवाइड करो, Y से डिवाइड करो, Y से डिवाइड करो, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं सब में डेल्टा पुट कर देता हूं, ठीक है, डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट ऑफ, मतलब मैंने सबको चेंज दिखा दिया है, कंजम्पशन में चेंज इनकम के चेंज के साथ कहलाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन कंजम्पशन विद द चेंज इन इनकम, मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू चेंज इन इनकम, ये कुछ उल्टा सा नहीं दिख रहा, उल्टा सा क्यों? क्योंकि ये है जो मल्टीप्लायर होता है वो होता है वाई अपॉन आई, और यहां लिखा हुआ है आई अपॉन वाई, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर देता हूं इसको प्लस 1/k, उल्टा लिख दिया ना, जब फॉर्मूला ये होता है और फॉर्मूला उल्टा लिखा है तो जो k का फॉर्मूला है वो 1/k कहलाने लगेगा, और डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कट के क्या हो गया, 1 हो गया। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, और करके k इक्वल्स टू 1/1 - MPC, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिया, जल्दी से लिख लो, के इक्वल्स टू 1/1 - MPC, यही मुझे पॉज करो, लिखो ताकि मैं MPC इक्वल्स टू 1 आगे कंटिन्यू कर सकूं। आगे बढ़ते हैं, चलो
अब दिया हुआ है भाई एमपीसी इक्वल्स टू वन, मतलब मेरा फिर से वही एक बार बोलना पड़ेगा आपको ताकि आपके दिमाग में वापस आ जाए कि मेरी जो भी एडिशनल इनकम हुई मैंने पूरी कंजम्पशन पे लगा दी। तो मल्टीप्लायर कैसे निकालूं? के इक्वल्स टू होता है, अभी अपन ने निकाला 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो आ जाएगा के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू कितनी है 1, क्यों? क्योंकि मैंने जो भी एडिशनल इनकम थी वो पूरी कंजम्पशन पे डाल दी है, यानी हो गया के इक्वल्स टू 1/0, यानी के की वैल्यू मैक्सिमम हो गई इन्फिनिटी। इस तरीके से निकाला जाता है, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर के और द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मल्टीप्लायर कैन बी इन्फिनिटी, लेकिन उसके लिए एक सिचुएशन होना जरूरी है कि जो भी एडिशनल इनकम होगी वो पूरी की पूरी कहां खर्च की जाएगी? कंजम्पशन पे, ये चीज मत भूलना बस। वॉट एवर द एडिशनल इनकम इज दैट कंप्लीट एडिशनल इनकम विल बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और इस केस में दे आर नॉट सेविंग एट ऑल, कुछ भी एडिशनल इनकम को सेव नहीं कर रहे, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज नथिंग, ऑल दे आर डूइंग इज दे आर कंज्यूमिंग, इसके कारण के की वैल्यू इन्फिनिटी जा सकती है, लेकिन कंडीशन एक ही है, हाई एमपीसी। अगर एमपीसी हाई है तो वो के को मल्टीप्लायर को इनफाइनाइट लेवल तक बूम अप कर सकता है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है? यार मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बड़ा आसान है निकालना, जो भी मेरी एडिशनल इनकम हुई 20,000 थी, 30,000 इनकम मेरी हो गई, मेरी बोल रहा हूँ, मेरी इनकम जो है वो 10,000 रुपये से बढ़ी, मैंने पूरी की पूरी 10,000 रुपये जो एडिशनल इनकम बढ़ी है उसको सेव कर लिया, तो मतलब मेरा एमपीसी एडिशनल कंजम्पशन कितना हुआ? 0, ठीक है। तो मैं के कैसे निकालूंगा? अगेन 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी निकाला, मतलब 1/1 माइनस एमपीसी 0 है, यानी 1/1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। के की मिनिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये 1 मिनिमम क्यों हुई? क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी है। यहां पे हुआ क्या? वॉट एवर योर एडिशनल इनकम वॉज यू हैव सेव्ड, अगर आपने सेव कर लिया पूरा का पूरा पैसा, तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सोचूं, यार सेव कर लिया मतलब कोई भी एडिशनल कंजम्पशन नहीं है मेरा, एडिशनल कंजम्पशन नहीं है, मतलब हुआ क्या? डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई होता है, ठीक है, यही होता है इनकम जो है डेल्टा सी और डेल्टा आई का होता है, वो मैं समझा चुका कैसे, पूरा करके दिखाया था आपको। कंजम्पशन अगर 0 है तो जो इनकम में चेंज है वो पूरा इन्वेस्ट हो गया मार्केट में, तो मतलब वॉट एवर द एडिशनल इनकम वॉज दैट इज कम्प्लीटली बींग इन्वेस्टेड, तो इसलिए के इक्वल्स टू 1 है, मतलब के इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? जो मल्टीप्लायर है, जो इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लायर मैंने बता दिया, मल्टीप्लायर इज वॉट, इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, सिखाया ना भाई, अच्छा से सिखाया, क्या कि मल्टीप्लायर इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम को मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है, तभी वो मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या बता रहा है? कि इनकम के बराबर है, जितना आप अर्न कर रहे हो उतना ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जितना एडिशनल, मतलब एडिशनल हर जगह एडिशनल लगा देना है ना, क्योंकि डेल्टा है, जितनी भी आपने इनकम अर्न की वो आपने सेव कर ली, अगर वो आपने सेव कर ली तो उतनी आपने इन्वेस्ट कर दी, क्योंकि फ्री मॉडल जो होता है, जो परफेक्ट मॉडल होता है, वो ये मान के चलता है जितना आपने सेव किया वो आपने बैंक में सेव किया होगा, आप जेब में तिजोरी में नहीं रखते हो, आप बैंक में सेव करते हो, और अगर बैंक में सेव किया है तो फर्दर वो इन्वेस्ट हो चुका है, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है, मैक्सिमम मतलब जितनी इनकम है उतना ही, समझ ही गए ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एक और चीज मैं आपको बता चुका हूं चैप्टर में, कि जो भाई एमपीसी है प्लस एमपीएस होता है वो इक्वल टू 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर मैं एमपीसी को वहां ले जाता हूं तो एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी होता है, तो मैं चाहूं तो इसकी जगह के इक्वल्स टू 1/MPS भी लिख सकता हूं, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख लो, मैं आता हूं। देखिए मैं लास्ट में आपको एक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के साथ छोड़ के जा रहा हूं, जो आप पूरा मल्टीप्लायर का टेबल याद करोगे, ये आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको हिंट देना कि मल्टीप्लायर आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए बड़े आसानी से एक बार मल्टीप्लायर को समझते हैं। मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है 100 CR का, मतलब 100 crores का, ठीक है, ये शुरुआती इन्वेस्टमेंट है जो एक इकोनॉमी के अंदर किया गया है, ठीक है। अब ये एक जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इससे मिनिमम कॉस्ट वैल्यू की एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, भाई हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट से ज्यादा करके दे दे इनकम, इन्वेस्टमेंट से कम भी करके दे दे, लेकिन हम मिनिमम क्या मान के चलते हैं कि जो 100 crore का इन्वेस्टमेंट हुआ है ये एटलीस्ट 100 crore की इनकम तो जनरेट करके देगा ही देगा, दैट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ द इनकम, सॉरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया सर। अब एक बात बताओ, ये स्टोरी का एंड तो है नहीं, इनकम जनरेट हुई है, बंदा भूखा तो मरेगा नहीं, इनकम के साथ क्या करेगा? खर्चा करेगा। मान लो इकोनॉमी में जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ये बड़ा हाई चल रहा है,
हाई कैसे चल रहा है, हमारी इनकम होती है वन इक्वल्स टू या तो होता है एमपीसी या तो होता है एमपीएस। जो इनकम होती है एडिशनल इनकम की बात कर रहा हूं, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे। तो हम वन में से मान के चल रहे हैं कि 0.90 कंजम्पशन पे जाता है और बाकी 0.10 सेव होता है। और इन अदर सेंस मैं बोल सकता हूं 90% जो एडिशनल इनकम है वो कंजम्पशन में जा रही है, बची हुई 10% जो है वो सेव हो रही है। ये एक इकोनॉमी का ट्रेंड निकाला है, ये एक रेट निकाला है, हाइपोथेटिकली सोच लिया है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो सोचो, उसके हिसाब से मैं बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई। अब मैं भी जानता हूं कि 100 करोड़ में से, क्योंकि मेरा 90% रेट जो है वो कंजम्पशन का है, तो जो 90 CR है ये मेरा कंजम्पशन पे चला जाएगा, ठीक है, और बाकी जो 10 CR है ये मेरा सेव हो जाएगा। लेकिन ये भी स्टोरी खत्म तो नहीं हुई है, ये पहली स्टेज थी जहां 100 CR की इनकम जनरेट हुई थी। अब ये जो आपने 90 CR का कंजम्पशन करा है, ये फर्दर मैंने आपको सिखाया कि किसी का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किसी की इनकम बनती है।